हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट कार्डिगन ट्यूटोरियल होने जा रही है, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इजी कार्डिगन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरी डिटेल इस कार्डिगन की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 34 से 38 चेस्ट साइज तक ये कार्डिगन बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये बनाने में। देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उससे ज़्यादा आसान है ये कार्डिगन। फ्रेंड्स, मेरे पास इस चीज़ को लेकर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मेरे समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, और इस वीडियो में भी मैं अपनी 100% कोशिश करूँगी कि अपने समझाने के तरीके से मैं इस कार्डिगन को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकूँ। तो अगर आपको ये कार्डिगन अच्छा लग रहा है और आप भी इस तरह का कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें सामने में 3 बटन लगाए हैं मैंने, लेकिन इसमें मैंने जो बटन होल बनाए हैं वो 4 बनाए हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 3 ही बटन लगाए हैं, और 2 पैटर्न हैं जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। एक पैटर्न मैंने इसमें योक में और बाजू में यूज़ किया है, सेम पैटर्न है, और योक के नीचे का जो हिस्सा है उसमें मैंने दूसरा पैटर्न डाला है जो कि फ्लावर वाला है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न है ये, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में। तो इसकी सारी डिटेल मैं अच्छे से आपके साथ शेयर कर पाऊँ, इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। आज की इस वीडियो में हम इसका योग बनाएंगे और इसके मुड्ढे और इसका फ्रंट और बैक का हिस्सा अलग करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसके योग के नीचे का जो फ्लावर वाला पैटर्न है ये मैं आपको बनाना बताऊँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं दोनों ही पैटर्न आज ही आपके साथ शेयर करूँगी तो, ठीक है। और थर्ड पार्ट में इसका दामन, बटन पट्टी और बाजू हम बनाएंगे, और उसके साथ में मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कि आप इसको अलग अलग साइज़ में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हिसाब मैं आपको बताऊंगी थर्ड पार्ट में। तो तीनों पार्ट आप देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, अपनी तरफ से छोटी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आइए मैं इसका मेजरमेंट आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखिए, गला है इसका, गोल गला मैंने बनाया है, और इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है जो कि मेरे साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई भी मैंने अच्छी खासी रखी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि मुझे लॉन्ग ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और इसी वजह से मैंने अपने चैनल पर कई सारे डिज़ाइंस लॉन्ग ड्रेस के, लॉन्ग कार्डिगन के, श्रग के, कुर्ता के, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ मैंने वो ड्रेसेस बनाई हुई हैं। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसकी जो लंबाई मैंने रखी है, इसकी लंबाई 30 से 31 इंच मैंने रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बाकी वीडियोस भी आप देखें, आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम देखने के लिए मिलेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। इसकी जो बाजू की लंबाई है वो इसके योक में भी आती है, ऊपर का जो हमने योक रेडी किया है इसमें भी इसकी बाजू की लंबाई चली जाती है। उसके बाद में जहाँ से मैंने बाजू बनानी स्टार्ट की है वहाँ से इसकी लंबाई को मैंने 17 इंच रखा है। ये देखिए, यहाँ से मेरी बाजू बनानी स्टार्ट की है मैंने, तो यहाँ से इसकी लंबाई 17 इंच है। बाजू भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इसका योक हम रेडी करेंगे, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, इसके मुड्ढे और इसका फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करेंगे। और ये देखिए, इसकी चेस्ट की चौड़ाई भी मैं आपको दिखाती हूँ, 17 इंच है ये। ये देखिए, 34 साइज़ ही बैठता है, तो पहनने के बाद में ये स्ट्रेच भी होता है, तो 37 और 38 साइज़ के भी बिल्कुल इजीली ये परफेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, 3 बटन मैंने इसमें लगाए हैं, और इसके बटन होल भी मैंने बनाए हैं इस तरीके से। 4 बटन होल मैंने इसमें बनाए थे, लेकिन अभी मेरे पास ये वाले बटन 3 ही हैं, आगे चलकर हो सकता है मैं इसके बटन चेंज करके 4 ही लगा दूँ। और ये जो बटन होल मैंने इसमें बनाए हैं ये पैटर्न में ही बन जाते हैं, साथ में ही, अलग से इनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के ब्यूटीफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा, और साथ में आने वाले घंटी के निशान पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें। तो ये देखिए, 2 प्लाई की ऊन मैंने इसके लिए ली हुई है यहाँ पर, और 350 से 400 ग्राम के बीच ऊन मेरी इस कार्डिगन में यूज़ हुई है। साथ में 10 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले हम ऊन को इस तरीके से पकड़ के एक स्लिप नॉट लगाएंगे और अपनी चेन बनानी स्टार्ट करेंगे। चेन जो हमें बनानी है वो 7 के मल्टीप्लाई में चेन बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चेन हो गई हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4,
पाँच, छः, सात। तो इसी तरीके से सात की मल्टीप्लाई में चेन बनाते हुए अपने कार्डिगन के लिए मैंने 126 चेन बनाई थी, और ये मैं आपको एक सैम्पल बना कर दिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 63 चेन्स बनाई हैं। ये देखिए 63 चेन्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद में तीन चेन हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो कि हमारी एक डबल क्रोशे की गिनती में आ जाएंगी। अब क्रोशे के ऊपर उनको लेंगे और तीन चेन स्किप कर देंगे जो भी हमने बनाई हैं। अपनी चौथी वाली चेन में क्रोशा डालकर उनको आगे लेकर आएंगे। अब क्रोशे पर उनको लेंगे, पहले दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर दो लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बनता है, और तीन चेन को मिलाकर ये हमारे दो डबल क्रोशिया काउंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाए हैं, स्टार्टिंग वाली थ्री चेन्स, और उसके बाद में एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब उसके बाद में तीन चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में, चौथी वाली चेन में ऊन को आगे लेकर आएंगे। दो लूप्स हैं क्रोशे में, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशे को निकाल देंगे, ये एक सिंगल क्रोशिया बनता है। इसके बाद में तीन चेन बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर तीन चेन बनाई थी, ऐसे ही यहाँ पर हमारी ये तीन चेन हो गई हैं। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से तीन चेन को मिलाकर हमारे चार डबल क्रोशे बन गए हैं। अब इसके आगे की तीन चेन स्किप करके चौथी चेन में उनको आगे लेकर आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो यही पैटर्न हमें बार बार रिपीट करना है। इस ये एक सैम्पल बना रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 9 बार ये डिज़ाइन डाला है, और जो मैंने कार्डिगन बनाया है उसमें मैंने 18 बार ये डिज़ाइन डाला है। 126 चेन के ऊपर 18 बार यही डिज़ाइन मैंने बनाया है कार्डिगन के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ही दिखाई देगा, 9 बार ये बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गले में कार्डिगन पर मैंने ये 18 बार बनाया है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करूँगी मैं, चार चेन बची हुई हैं मेरे पास, तो बिल्कुल लास्ट वाली चेन में उनको आगे लेकर आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में तीन चेन बनाएंगे हम और सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इस पीस को टर्न करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और ये देखिए ये फोर्थ चेन है हमारी, जिसमें हमने अभी अपना डिज़ाइन को ज्वाइंट किया था, इसी वाली चेन में अब हमें यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, और तीन चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो ये चार डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे फिर से हमें फर्स्ट रो की तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इस बार यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीन डबल क्रोशिया हमारे बने हुए हैं, इसमें से दो छोड़कर तीसरे वाले के बराबर में से क्रोशिया डालकर इस डबल क्रोशिया को उठाएंगे इस तरीके से, और उनको आगे लेकर आएंगे, और एक सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हमें यहाँ पर बनाना है। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बन गया है हमारा ये। अब तीन चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर पीछे तीन चेन हैं। ये वाली जो स्टार्ट डबल क्रोशिया से पहले जो तीन चेन बनाते हैं हम, इस वाली तीन चेन के ऊपर यहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। सेम वही पैटर्न है जो फर्स्ट रो में हमने बनाया है, सिर्फ इसमें सिंगल क्रोशिए का जो तरीका है वो अलग है। इसमें सिंगल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट करके बनाना होता है। ये देखिए तीन डबल क्रोशिए हैं, इसके तीसरे वाले को उठाएंगे और इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ही दिखाई देगा, दो बार ये डिज़ाइन बन गया है। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है बार बार, और सेकेंड रो ऐसे ही कम्प्लीट करना है। तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन के ऊपर तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया, ये दो, और ये तीन डबल क्रोशिया बना दिए हैं तीन चेन के ऊपर। तो ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए थर्ड रो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इस रो में भी मेरा ये डिज़ाइन 9 बार ही डला है, ठीक है। फर्स्ट रो की तरह 9 बार मैंने फिर से यहाँ पर अपना डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिया है। अब इसको ज्वाइंट करूँगी मैं। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो तीसरे वाले को उठाकर एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना दूंगी मैं, और यहाँ पर हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर तीन चेन बनाएंगे हम और तीसरा रो स्टार्ट करूँगी मैं। इसमें भी हमें बिल्कुल सेकंड रो वाला ही काम करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी, यहाँ पर हमारी तीन चेन बन गई हैं। अब अपनी फर्स्ट वाली चेन में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे हम,
ये तीन हो गए। अभी देखिए तीन डबल क्रोशिया हैं, इसका तीसरा वाला उठाएंगे और इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न है जो सेकंड रो में बनाया है मैंने, सिर्फ आपको बनाकर दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी कार्डिगन पर ये तीन रो बनाए हैं और तीनों रो में मेरा जो डिज़ाइन है वो 18 बार डला है, ठीक है। यहाँ पर तीनों रो में ये डिज़ाइन 9 बार है, मैंने कार्डिगन में ये डिज़ाइन 18 बार बनाया है 126 चेन के ऊपर। तो ये तीन रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए तीन रो कंप्लीट कर ली है मैंने और आखिर का सिंगल क्रोशिया स्टिच भी बना लिया है और 9 बार ही डिज़ाइन मेरा ये यहाँ पर बनाया है, तीनों रो में 9 बार रहना है। तो ये एक बार का बॉर्डर हमारे यहाँ पर तीन रो में कम्प्लीट हो जाता है। अब इसके ऊपर हम अपना चेन वाला रो बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 8 चेन बनाएंगे। ये 5 हो गई, 6, 7, 8। अब इस पीस को टर्न करेंगे और अपना फोर्थ रो पर काम करेंगे, तो यार्न ओवर करेंगे। ये वाली जो चेन है हमारी बिल्कुल फर्स्ट वाली जिसके ऊपर हमारी चेन चल रही है, इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। पहले ये हो गया, अभी देखिए तीन डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं हमारे। इसके आगे जो चेन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे चेन स्पेस में और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और ये बीच में जो हमारा ये वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच की चेन आ रही है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके ऊपर 5 चेन बनाएंगे हम, यार्न ओवर करेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया वाली चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारा एक वी स्टिच की तरह बन जाएगा 5 चेन स्पेस के साथ। ये देखिए आगे वाली 3 चेन के स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं एक वी स्टिच हमारे यहाँ पर बन गया है और एक हमारा यहाँ पर बना हुआ है 5 चेन स्पेस के साथ। ये स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनी है ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएंगी, उसके बाद 5 चेन और एक डबल क्रोशिया, और उसके बाद में दूसरी बार भी मैंने ऐसे ही बनाया है एक डबल क्रोशिया, 5 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 5 चेन बनानी है, यार्न ओवर करेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये फोर्थ रो कम्प्लीट कर लेना है। ये देखिए 3 चेन स्पेस है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से दिखाई देगा। ये कंगूरे हमारे चेन के यहाँ पर बनने लगे हैं, ये देखिए सारे चेन मैंने अपनी बना ली हैं इसी तरीके से, और 9 बार हमारे ये चेन वाले कंगूरे यहाँ पर बने हैं, ठीक है। 9 ही बार डिज़ाइन बना हुआ था और 9 ही बार हमने ये चेन बनाई है यहाँ पर। ये देखिए हमारी आखिरी वाला कंगूरा है यहाँ, इसको हम ज्वाइंट करेंगे जो स्टार्टिंग में 3 चेन का स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अभी एक बार का बॉर्डर है, इसके बाद में यही बॉर्डर हमने 4 बार बनाया है कार्डिगन पर, इसमें 9 बार डिज़ाइन डाला हुआ है और उसके ऊपर ये 9 बार ही चेन वाले कंगूरे बने हैं, और कार्डिगन के गले पर 18 बार डिज़ाइन डाला हुआ है और उसके ऊपर 18 बार ही ये चेन वाले कंगूरे मैंने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर 5th रो बनाएंगे, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में 5 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अभी देखिए बिल्कुल पहला वाला जो कंगूरा है हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन के ऊपर, हम इसको एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। ये हो गई, अब इसके ऊपर हमें एक इंक्रीज वाली चेन बनानी है, तो यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 चेन इसी वाली चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया के साथ हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक कंगूरे के ऊपर ये एक कंगूरा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर बनाया है, एक हमने स्टार्टिंग में बनाया है और एक अब हम बनाएंगे 5 चेन, और ये 5 चेन हम नेक्स्ट वाले कंगूरे के ऊपर जॉइंट करेंगे और उस कंगूरे के ऊपर फिर से हम एक इंक्रीज डालेंगे। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ इसको मैंने जॉइन कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई, उसके बाद में 5 चेन का एक इंक्रीज स्टिच हमने यहाँ पर बनाया है कंगूरे वाला, इसके बाद में 5 चेन बनाकर हमने दूसरे वाले कंगूरे के ऊपर इसको जॉइंट किया है। अब इसके ऊपर हम एक इंक्रीज बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाकर तीसरे कंगूरे के ऊपर जॉइंट करेंगे, और इसी तरीके से हर एक कंगूरे के ऊपर 5 चेन को जॉइंट करेंगे हम, और हर एक कंगूरे के ऊपर 5 चेन इंक्रीज वाले कंगूरे के लिए बनाएंगे। ये देखिए 5 चेन बना दी हैं, अब इसको इसी वाले कंगूरे के ऊपर फिर से मैं जॉइंट कर दूँगी। ये हो गया, अब फिर से 5 चेन बनाकर दूसरे वाले कंगूरे के ऊपर ले जाएंगे,
सॉरी तीसरे कंगूरे के ऊपर ले जाएंगे और इसके ऊपर एक इंक्रीज वाला कंगूरा फिर से बनाऊंगी मैं इस तरीके से। तो ये इंक्रीज वाली चेन मुझे डालनी है हर एक अपने नीचे वाली पांच चेन के ऊपर। बिल्कुल लास्ट वाली जो चेन है हमारी ये वाली कंगूरे वाली, इसके ऊपर हमें इंक्रीज नहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए सारे कंगूरे के ऊपर मैंने एक एक एक्स्ट्रा कंगूरा यहाँ पर बना दिया है। इसी से हमारे कार्डिगन की जो योक है उसमें इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा नीचे जाकर। यहाँ पर 9 बार डिज़ाइन डाला था, 3 रो बनाए थे मैंने, उसके बाद में 9 बार ही हमारे कंगूरे वाली चेन डली थी और उसके ऊपर 5वीं रो में मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, जो कि 8 बार मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ वाले कंगूरे बनाए हैं। कार्डिगन में मेरा डिज़ाइन 18 बार डला हुआ है, उसके ऊपर 18 ही चेन हमने बनाई थी डबल क्रोशिया के साथ वाली 4th रो में। उसके बाद मैंने जो इंक्रीज़ डाले हैं वो मैंने 17 कंगूरे के ऊपर बनाए हैं। डिज़ाइन जो मेरा डला हुआ है वो 18 बार डला हुआ है और उसके बाद में इंक्रीज़ जो मैंने किए हैं वो 17 चेन के ऊपर किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर एक बॉर्डर को बनाने के बाद में इंक्रीज़ करूँगी मैं, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो 6th रो स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें 3 चेन बनानी है। अब यार्न ओवर करेंगे और जो काम हमने अपने 1st रो में किया था वही काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो दूसरी बार का बॉर्डर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे और एक और बनाएंगे, तो ये 3 चेन को मिलाकर 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये हमारा पहला इंक्रीज वाला कंगूरा है, इसमें क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब इसी कंगूरे में से हमें 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको सिंगल क्रोशिया के साथ नेक्स्ट वाली 5 चेन के ऊपर जॉइन करेंगे हम। अब इसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसी चेन के ऊपर, ठीक है। तो एक बार हमारे पास यहाँ 5 चेन है और एक बार हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज वाली चेन है, तो हर एक चेन के ऊपर हमें यही डिज़ाइन डालना है। ये देखिए 5 चेन के बाद में इंक्रीज वाली चेन आ गई, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो एक बार ये डिज़ाइन चेन के ऊपर डलेगा और एक बार ये डिज़ाइन कंगूरे वाली जो इंक्रीज बनाई है हमने उसके ऊपर डलेगा, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से सारा डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी मैं, 16 बार हमारा डिज़ाइन इस रो में बनेगा। तो इस सैंपल में जो मैंने इंक्रीज वाले कंगूरे बनाए थे वो 8 बनाए थे, तो 8 के ऊपर जो डिज़ाइन बढ़ता है वो हमारा 7 बार बढ़ता है, 8 बार नहीं बढ़ता है, ठीक है। और कार्डिगन में मैंने अपने 1st रो के जो डिज़ाइन बनाया था वो 18 बार बनाया था और उसके ऊपर जो मैंने इंक्रीज वाली चेन डाली थी अपने 6th रो की वो 17 बार बनाई थी, तो उसमें मेरा 18 बार के बाद में 16 बार डिज़ाइन बढ़ा था 6th रो में, ठीक है। 17 बार नहीं बढ़ा था, सिर्फ 16 बार ही बढ़ा था, तो वो उसके बाद में 34 बार मेरा 6th रो में डिज़ाइन कार्डिगन पर डला है। तो 34 बार को ही कंटिन्यू करते हुए 3 रो इसके बनाऊँगी मैं, 3 रो में ही डिज़ाइन हमारा 34 बार ही डलेगा। यहाँ पर इस तरीके से दूसरा बॉर्डर मेरा बन जाएगा, जैसे पहला बॉर्डर बना है ऐसे ही दूसरा बॉर्डर बन जाएगा। इसमें मैंने यहाँ पर 16 बार डिज़ाइन डले हुए हैं, तो 2nd रो में भी 16 बार ही रहेंगे और 3rd रो में भी 16 बार ही रहेंगे। कार्डिगन के गले पर 34 बार ही रहेंगे 3 रो में, और उसके बाद में 3 बार जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में 4th रो की तरह उसके ऊपर चेन डालूंगी मैं डबल क्रोशिया के साथ। तो इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए 2nd और 3rd रो की तरह मैंने यहाँ पर अपना बॉर्डर कम्प्लीट किया है और उसके बाद में 4th रो की तरह सेम मैंने यहाँ पर चेन भी अपनी बना ली है डबल क्रोशिया वाला, जो भी स्टिच और चेन मैंने आपको दिखाया था। अब उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीज वाला रो बनाऊंगी मैं और ये 10वां रो होगा हमारा। तो ये देखिए 5 चेन मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब ये हमारा पहला वाला 5 चेन है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर पहले हम अपना इंक्रीज वाला कंगूरा बना लेंगे। अब इसी के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, तो ये 1 5 चेन के ऊपर एक कंगूरा हमारा इंक्रीज वाला बन गया है। अब यहाँ पर देखिए हर एक कंगूरे के ऊपर हमने एक इंक्रीज बनाया था और 10वें रो में हम एक चेन के ऊपर कंगूरा बनाएंगे और दूसरी चेन के ऊपर नहीं बनाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 5 चेन बनाएंगे हम और ये नीचे वाली दूसरी 5 चेन है हमारी, इसके ऊपर हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर हम इंक्रीज वाला कंगूरा नहीं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले 5 चेन के ऊपर भी इंक्रीज बनाया था, दूसरी वाली 5 चेन के ऊपर भी बनाया था, तीसरी वाली के ऊपर भी बनाया था, 8 चेन के ऊपर हमने बनाए थे। यहाँ पर हम हर एक कंगूरे के ऊपर
कंगूरा नहीं बनाएंगे, एक के ऊपर बनाएंगे, दूसरे के ऊपर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मैं अपना इंक्रीज वाला कंगूरा नहीं बनाऊंगी, बल्कि पांच चेन बनाऊंगी और इस पांच चेन को दूसरे वाली पांच चेन के ऊपर ले जाऊंगी। और अब इसके ऊपर हम इंक्रीज वाला कंगूरा बनाएंगे। ये देखिए बीच में एक चेन के ऊपर मैंने यहाँ पर इंक्रीज वाला कंगूरा नहीं बनाया है, अब इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो एक के ऊपर बनाएंगे और दूसरे के ऊपर नहीं बनाएंगे, फिर एक के ऊपर बनाएंगे, फिर दूसरे के ऊपर नहीं बनाएंगे। इस तरीके से इंक्रीज करना है हमें 10 रो में, ठीक है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। ये देखिए पहली पांच चेन के ऊपर इंक्रीज बनाया है, दूसरी के ऊपर नहीं बनाया है, फिर तीसरी के ऊपर बनाया है, चौथी के ऊपर नहीं बनाएंगे, पाँचवी के ऊपर बनाएंगे। तो ये तो हमारे दो बार के बॉर्डर का 10 रो कम्प्लीट हो गए हैं। इसके ऊपर हम 3 रो बनाएंगे अपने डिज़ाइन वाले, और उसके बाद में फिर से 15वें रो पर हमारा ऐसे ही इंक्रीज आएगा जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो उसमें हमें पहली चेन के ऊपर बनाना है इंक्रीज, और उसके बाद में दो चेन के ऊपर नहीं बनाना है। ये देखिए मैं 15वें रो में हम ये वाली और ये वाली दो चेन छोड़ देंगे, उसके बाद में तीसरी वाली चेन के ऊपर इंक्रीज बनाएंगे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। ये देखिए पाँच चेन बनाई हैं, इसको अपनी फोर्थ चेन के ऊपर ले जाऊँगी मैं, और अब इसके ऊपर हम अपना इंक्रीज वाला कंगूरा बनाएंगे। तो 15वें रो में आपको बिल्कुल पहली वाली चेन के ऊपर इंक्रीज वाला कंगूरा बनाना है, उसके ऊपर दो चेन के ऊपर नहीं बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके बताया है, उसके बाद में चौथी चेन के ऊपर बनाना है, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो पहले बॉर्डर के बाद में हमें हर एक कंगूरे के ऊपर कंगूरे बनाना है इंक्रीज वाला, दूसरा वाला बॉर्डर बनाने के बाद में हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन के ऊपर कंगूरे वाला स्टिच बनाना है इंक्रीज वाला, और उसके बाद में 3 बार बॉर्डर बनाने के बाद में हम एक स्टार्टिंग में बनाएंगे, और फिर उसके बाद में दो चेन छोड़कर तीसरी वाली के ऊपर बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए ये देखिए 4 बॉर्डर कंप्लीट कर लेने हैं हमें। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी हर एक 5 चेन के ऊपर इंक्रीज वाला कंगूरा बना हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट बॉर्डर के बाद में है, ये सेकेंड बॉर्डर है हमारा, इसके ऊपर हमने फर्स्ट के ऊपर इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, फिर इसके ऊपर इंक्रीज़ किया हुआ है, फिर इस वाली के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो एक एक चेन हमने छोड़ी हुई है, यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी के ऊपर इंक्रीज बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने पहली वाली के ऊपर इंक्रीज बनाया है 3 बॉर्डर बनाने के बाद में, पहले कंगूरे के ऊपर इंक्रीज बनाया है, उसके बाद में 2 स्टिच छोड़ दिए हैं हमने, और फिर तीसरी वाली के ऊपर यहाँ पर इंक्रीज बना हुआ है, फिर 2 छोड़ दिए हैं ये वाला और ये वाला, उसके बाद में तीसरी के ऊपर इंक्रीज बनाया है, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर मैंने चौथी बार का बॉर्डर कंप्लीट करके अपना एक चेन वाला रो यहाँ पर बनाया। अब इसके ऊपर इंक्रीज वाला रो नहीं बनाऊंगी मैं, 20वां रो नहीं बनाऊंगी यहाँ पर, 19 रो मैंने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर पहले बॉर्डर में मेरा ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये 18 बार बना हुआ है। इसके ऊपर हमने चेन बनाई थी डबल क्रोशे के साथ वाली चेन, ये भी 18 बार ही बनी थी। उसके बाद में मैंने इंक्रीज़ किए थे 17 चेन के ऊपर मैंने इंक्रीज़ किए थे, आखिर की एक चेन छोड़ दी थी, तो मेरे यहाँ पर 35 चेन मेरे पास यहाँ पर हो गई थी इंक्रीज़ को मिलाकर। लेकिन 35 चेन के ऊपर जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारा डिज़ाइन एक नंबर कम रहता है, तो डिज़ाइन जो हमारा बना था 6 रो में वो 34 बार ही बना था यहाँ पर, ठीक है। तो 34 बार मेरे यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, और उसके 3 रो मैंने यहाँ पर बनाए हैं 34 डिज़ाइन के साथ, ठीक है। उसके बाद में 3 रो बनाने के बाद में मैंने डबल क्रोशे के साथ वाली इंक्रीज़ वाली चेन डाली है, वो भी 34 बार ही बनी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने इंक्रीज़ बनाए थे 17 बार, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एक चेन स्किप करके इंक्रीज़ किए हुए थे जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन यहाँ पर डाला था ये 50 बार डाला था, तो 3 रो में 50 बार है। इसके बाद में इंक्रीज़ वाली डबल क्रोशे के साथ वाली चेन का रो बनाया, उसके बाद में इंक्रीज़ वाली चेन का रो बनाया जिसमें मैंने 2-2 चेन छोड़कर इंक्रीज़ किया था। तो इसके ऊपर जो मेरा डिज़ाइन बना था वो 66 बार बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरा डिज़ाइन है आखिरी बारी में फोर्थ वाले बॉर्डर में ये 66 बार है, और इसके ऊपर जो मैंने ये चेन बनाई हुई है ये भी मेरे पास यहाँ पर 66 ही हैं। अब इसमें से हम अपना फ्रंट का मुड्ढे का और बैक का हिस्सा अलग करेंगे, तो इसको 5 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। तो ये कैसे करना है हमें, ये देखिए इस तरीके का गोल पीस हमारे पास ये बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल योक हमारा बना है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, और फोल्ड करने के बाद में हमारा ये पीस इतना होना चाहिए कि इसमें से मुड्ढे और बैक और फ्रंट सब कुछ हम अलग कर सकें, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना मेजरमेंट अपने कार्डिगन का मेजरमेंट सही से पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए इसका फ्रंट का और बैक का और मुड्ढों का पीस अलग कर लूँगी मैं अभी, तो ये मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से किया है। तो ये देखिए 66 चेन्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद में मैंने फ्रंट की तरफ 10-10 चेन रखी हैं, और मुड्ढों में दोनों तरफ मेरी 13-13 चेन हैं, और नीचे जो बैक का पीस रह जाता है हमारा उसमें 20 चेन मेरी यहाँ पर रह जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो गिनती स्टार्ट करनी है वो अपने एक सिरे से शुरू करनी है,
जैसे फ्रंट का पीस आप लेंगे तो यहाँ से आपको गिनती स्टार्ट करनी है 10 चेन के बाद में 11 जो सिंगल क्रोशिया स्टिच आता है उसमें मैंने यहाँ पर अपनी ऊन डाल ली है, उसके बाद में 13 चेन काउंट की हैं और 13 चेन के बाद जो सिंगल क्रोशिया स्टिच आता है उसमें मैंने यहाँ पर ऊन बांधी है, तो दोनों को मिलाकर एक साथ मैंने बांध दिया है। ये एक मुड्ढा हमारा अलग हो गया। इसके बाद में बैक साइड की 20 चेन काउंट करने के बाद में जो सिंगल क्रोशिया स्टिच आता है उसमें मैंने यहाँ पर ऊन डाली है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद में इसके आगे की 13 चेन काउंट करके उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया आता है उसमें मैंने ऊन लेकर इसको बांध दिया है और 10 चेन मेरी फ्रंट के दूसरी साइड में यहाँ पर रह जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पीस सेपरेट करना है और इसका साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 6 इंच का मेरे यहाँ पर मुड्ढा रह जाता है, ठीक है। दोनों ही मुड्ढे 6 इंच के हैं और उसके बाद में जो फ्रंट की चौड़ाई मेरी रहेगी वो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में 34 इंच मेरी है यहाँ पर। तो ये देखिए 17 इंच की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना पीस बनाकर रेडी कर लीजिए और उसके बाद में इसके नीचे का डिज़ाइन डालूंगी मैं। सेकंड पैटर्न बनाएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो भी आपको ध्यान से देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है वो। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट कीजिएगा मुझे। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगी मैं उसको सॉल्व करने की। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसका हिसाब समझा पाई हूँ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। जो भी कमेंट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।